गुलिया खाप का प्रस्तावित धरना आज छठे दिन में प्रवेश कर गया है और हम पहुंचे हैं गुलिया खाप के धरने में, और जहां पर हम बात करेंगे गुलिया खाप के अध्यक्ष सुनील गुलिया जहांगीरपुर से। अध्यक्ष जी, आज के इस धरने का क्या कार्यक्रम रहा और आगे आपकी क्या रणनीति है? संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का आंदोलन बहुत ही जोशीला आंदोलन रहा हमारा, और आज का दिन बड़ा ही अच्छा हमारा निकला। और आज के आंदोलन में सबसे खुशी की बात ये है कि कुछ भाई इनोला पार्टी से जुड़े हुए जो भाई थे, उनकी पार्टी की आज मीटिंग थी, उसमें विशेष रूप से हमारे जो 4 के वो 17 के उसको बुला लो, उनसे हम के साथ ही इनकी पार्टी मीटिंग खत्म होने के बाद ये सभी एकत्रित हुए यहाँ, और इन्होंने हमारा समर्थन किया, इसका भी हम स्वागत करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और इनमें से हम उम्मीद भी करते हैं कि कल धरने पर पहुँचेंगे और धरने की शोभा बढ़ाएंगे। आज छठे दिन धरना प्रवेश कर गया है, आपको क्या लगता है धरने के प्रशासन की अनुमति के बारे में आपका क्या कहना है? संजय जी, हमारा अनुमति का कल डीसी मैडम का आने का समय है सेक्रेटरिएट में, हम कल एक बार सारे धरने पे यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ अपना तालमेल बना के आधे आदमी धरने को चालू रखेंगे और कुछ आदमी हमारे जुम्मेवार आदमी हैं वो डीसी मैडम के पास पहुँच के और अपने परमिशन के बारे में विषय में बातचीत करेंगे, और मैडम ने जो ये धारा 144 लगा रखी इसके बारे में हम मैडम को पूर्ण रूप से आश्वस्त भी कराएंगे कि आपने जो धारा 144 लगाई है ऐसी कोई परिस्थिति वहाँ है नहीं जिससे कि धारा 144 लगानी पड़े, आप हमारे को परमिशन दो, जो कि हम अपने किसानों के साथ मिलकर इस धरने को काफ़ी ऊंचाइयों पर लेकर पहुँचेंगे। धरने की प्रशासन से अनुमति के लेकर के खाप अध्यक्ष का मानना है कि जिला झज्जर के प्रशासनिक अधिकारियों से भेंट कर वो धरने प्रदर्शन की अनुमति लेंगे। हम बात करते हैं जिला पार्षद जगबीर जी से। जगबीर जी से, आज जो धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम था और आगामी क्या रणनीति है आपकी? संजय भाई, धरना बहुत अच्छा चल रहा है, बुधवार से मंगलवार से आने के बाद लगातार धरना चल रहा है, और जिस रूप में धरना हमने चलाने की कोशिश की थी बिल्कुल उसी रूप में सही चल रहा है। हर गांव से एक या दो आदमी 300 गांव से आकर 60 और 70 की तादाद में 100 की तादाद में अपने धरने को चला रहे हैं। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि हमारी परमिशन अभी नहीं है, तो हमें धरना बढ़ाने का जो हमारा कार्य है वो परमिशन मिलने के बाद होगा। कल डीसी मैडम आ जाएंगे, उनसे मिलकर हम परमिशन लेंगे। परमिशन चाहे हमें एक किला दूर या 10 किले दूर मिले, जिसके बाद परमिशन मिलने के बाद हम शांतिपूर्वक धरना अपनी पूरी खाप को एकजुट करके लें, और जो एक संदेश और एक मैसेज देना चाहते हैं कंपनी को वो पूर्ण रूप से मैसेज देंगे, और धरने को पूर्ण रूप से पूरा बढ़ाया भी जाएगा, और 15 तारीख तक जो कंपनी का टाइम दे रखा है इसको बिल्कुल गुड़िया खाप के अंदर रखा जाएगा। 15 तारीख के बाद अगर जो धरने में कंपनी हमारा सहयोग नहीं करती है और हमारी बातचीत नहीं मानती है, तो 15 तारीख के बाद प्रधान जी ने बताया हमारी जो 84 है उससे हम रणनीति बनाई जाएगी, संपर्क करेंगे, और गुड़गांव से जो हमारे 22-23 गांव और हैं जो रिलायंस कंपनी से जुड़े हुए उनसे संपर्क करेंगे, और हर लेवल पे चाहे इसने हमें दिसौरी पंचायत के रूप में और दिसौरी धरने के रूप में लेना पड़े हम इसको लेकर और अपनी मांगों को मनवा कर और कंपनी से अपने आंदोलन को सफल बनवाएंगे। जिला प्रशासन से धरने परमिशन की अनुमति के बाद धरने की रूपरेखा को आगे पंचायत के सभी सदस्यों की सहमति से धरने को आगे बढ़ाया जाएगा, यह कहना है गुलिया खाप के प्रतिनिधियों का। गुलिया खाप के छठे दिन धरने के प्रवेश के साथ ही समर्थन का सिलसिला जारी हो गया है, विभिन्न खापों से और विभिन्न प्रतिनिधि यहां धरने स्थल पर पहुंचकर गुलिया खाप को अपना समर्थन दे रहे हैं। हम बात करते हैं युवा साथियों से, आज इस धरने पर आप पहुंचे हैं, आपका क्या कहना है? आज जो गुड़िया खाप का धरना है, जो इस सीजेड में किसानों की जमीन ली गई और जो वादे किए थे रिलायंस कंपनी ने, उन वादों पर खरी ना उतर के जो किसानों को परेशान करने का काम किया रिलायंस कंपनी ने, आज उस विरोध में उससे तकलीफ आकर के किसान भाई, ये भाईचारा गुड़िया खाप जो आज धरने पर बैठी है, ये अपने प्रजातंत्र के अंदर अपने अधिकार मांगने के लिए बैठी है, अपना अधिकार मांग रही है, और ये समाज, ये गुड़िया खाप, और मैं तो ये कहता हूँ झज्जर जिला पूरा गुड़िया खाप के साथ है, गुड़िया खाप के साथ लग करके इस लड़ाई को हम पूरा करने का काम करेंगे। अगर गुड़िया खाप के लिए पसीने की जगह खून भी बहाना पड़ेगा इस जमीन के लिए, तो हम एक दंग भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, एक दंग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और हम गुड़िया खाप को तन मन धन से
साथ है, जो गुड़िया खाप हमारे को आदेश देगी, जो हमारे सहयोग मांगेगी, उसको दल बल के साथ देने का काम करेंगे और इस लड़ाई को ठोकर लड़ने का काम करेंगे। मैं आश्वासन दिलाता हूँ गुड़िया खाप को कि उनका बच्चा उनका भाई और बेटा होने के नाते से गुड़िया खाप हमारी कोई भी ड्यूटी लगाने का काम करेगी तो हम तन मन धन से उस ड्यूटी को पूरी करेंगे, खून भी बहाएंगे, कोई भी लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई को लड़ने का काम हम करेंगे गुड़िया खाप के लिए। गुड़िया खाप को लगातार धरने प्रदर्शन के लिए समर्थन हासिल हो रहा है और आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सहित विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर गुड़िया खाप अध्यक्ष की सुनील गुड़िया को यह आश्वासन दिया है कि वो सभी गुड़िया खाप के साथ हैं। हम बात करते हैं अध्यक्ष से। अध्यक्ष जी, आज ये जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज संजय भाई हमारे को बड़ी खुशी हुई है कि इनोला पार्टी की यहाँ जजर में कोई मीटिंग थी और उस मीटिंग से इनके नेता विपक्ष ने इनको कोई आदेश किया जो कि ये अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष करमवीर राठी जी के नेतृत्व में पूरा संगठन इनका हमारे पास पहुंचा और उसमें विशेष रूप से हमारे हरेंद्र शेलाणा, संजय कबलाणा, मामन जिला पार्षद बादली से, धर्मेंद्र बामडोला से, हमारे अजय गुड़िया पार्टी प्रवक्ता जहांगीरपुर से और हिंद केसरी एशिया मेडलिस्ट नवीन पहलवान जी, प्रीतम कुकड़ोला, इनकी पूरी टीम और इनके दल बल के साथ जो हमारे पास आए हैं और इन्होंने हमारे को आश्वस्त भी किया है कि ये धरना इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ मेरे को पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हमारी जनता के अंदर इतनी ताकत है कि सरकार और विपक्षी पार्टियाँ और विपक्ष के नेता भी यहाँ पहुँच कर इस धरने की शोभा बढ़ाएंगे और धरने को गति की तरफ लेके पहुँचेंगे हम। और आज धरना हमारा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत ही ऊँचाइयों को छू रहा है और मैं इसके लिए सभी भाइयों को, जो पहले इनको समाज की ज़रूरत है उसके बाद इनकी पार्टियां हैं और राजनीतिक मंच को हम ना ही, अब हमने राजनीतिक मंच को, इसको धरने को राजनीतिक मंच बनने दिया है, ना ही इसको आगे बढ़ने देंगे, लेकिन ये एक राजनीतिक पॉइंट को पीछे छोड़ के एक भाईचारे के तहत हमारे पास आए थे और इन्होंने अपनी बातें रखी। विचार विमर्श काफ़ी लंबा विचार विमर्श हुआ और विचारों में हमने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी विचार, उसने अपने बताए, हमने उनके बताए और इन्होंने हमारी बातों को सुनकर पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया और समर्थन दे दिया। और गुड़िया खाप का इतिहास रहा है स्वर्णिम इतिहास के साथ, आज गुड़िया खाप ने एक और मिसाल कायम करने का काम किया है। हम आपको बता दें कि गुड़िया खाप के अध्यक्ष ने आज यह निर्णय लिया है और सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के पहुंचे हुए प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया है कि राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले भाईचारा और खाप है, यह कहना है गुड़िया खाप के अध्यक्ष का। और इसी सिलसिले में आज इनेलो पार्टी के विभिन्न नेताओं ने यहाँ पहुंचकर गुड़िया खाप को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। हम बात करते हैं प्रदेश के इनेलो प्रवक्ता अजय गुड़िया जहांगीरपुर से। देखिए संजय भाई, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग तो चोरी देवीलाल के आदर्शों वाली पार्टी है और किसानों के साथ रहे हमेशा से, पहले दिन से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का देख किसान की भलाई है। जब तक प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा ना, हरियाणा प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। और हम तो एक समर्थन देने हैं, हमारी पूरी पार्टी, युवा जिलाध्यक्ष प्रीतम भाई, सारे साथी, संजय भाई हैं, परमवीर राठी जी, सारे साथी यहाँ पहुँचे हैं, एक बात का आश्वासन दे के जाते हैं इस धरने पर कि भाई ये पार्टी को राजनीतिक बात नहीं है, किसानों को जहाँ पर भी किसी भी रूप में अगर हमारी आवश्यकता होगी, और हम तो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप ड्यूटी लगाएं हमारी, चाहे पंडाल में झाड़ू लगाने की भी लगाना, पानी पिलाने की भी लगाना, हम लोग समाज के साथ हैं, किसान के कमेरे वर्ग के साथ हैं, हम लोग हमारे साथ हैं, इनेलो हमारे साथ हैं। गुड़िया खाप के प्रवक्ता महावीर जी, महावीर जी आज इस पूरे प्रकरण के बारे में और आगामी रणनीति के बारे में आपका क्या कहना है? संजय भाई, आज हमारा धरना पांचवें दिन में शुरू हो गया है, धरना बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग मिल रहा है और आज इनेलो पार्टी ने अपने पदाधिकारियों के थ्रू यहाँ ये मैसेज भिजवाया है कि इनेलो पार्टी इस धरने का पूर्ण समर्थन करती है और आगामी दौर में जो भी इनेलो पार्टी की तरफ से, समाज की तरफ से जो भी इनेलो पार्टी की ड्यूटी लगाई जाएगी, इनेलो हमारा पूरा सहयोग करेगी। लगातार मिल रहे समर्थन से उत्साहित है किसान और आंदोलन अब गति पकड़ रहा है और धीरे धीरे संख्या जुटने लगी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि यहां धरना स्थल पर पहुंचकर अपना तन मन धन और अपनी राजनीति से ऊपर उठकर एक तरफा समर्थन का ऐलान कर रहे हैं और यह भविष्य के गर्त में छुपा है। देखते हैं कि तीन माह से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। समाचार कैरी के लिए कैमरामैन रवि कुमार के साथ संजय शर्मा की रिपोर्ट।